अंतरिक्ष यानी हमारे धरती के वायुमंडल से बाहर और खगोलीय पिंडों के बीच की खाली जगह। हमने ये स्कूल से ही पढ़ा है कि अंतरिक्ष पूरी तरह खाली है, ना पानी, ना हवा, ना ही गुरुत्वाकर्षण बल। आपने साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा कि किस तरह से अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स तैरने लगते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि अंतरिक्ष पूरी तरह खाली नहीं होती। हाँ, बेशक अंतरिक्ष एक हार्ड वैक्यूम वाली जगह है, लेकिन यहाँ भी कुछ मात्रा में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। पार्टिकल्स जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम के प्लाज्मा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मैग्नेटिक फील्ड्स, न्यूट्रिनोज, धूल और कॉस्मिक रेज। हाँ, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, लिंक ऊपर आगे बटन पर मिल जाएगा। वैज्ञानिकों ने शुरुआत में आका था कि चूंकि अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, अतः यहाँ का कोई तापमान भी नहीं होगा, यानी अंतरिक्ष का तापमान 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट 0 होना चाहिए। परंतु जब 20वीं सदी में हम इसे मापने के काबिल बने, तब हमें ये पता चला कि अंतरिक्ष का तापमान 2.7 केल्विन है, यानी कि अंतरिक्ष पूरी तरह खाली नहीं है और यहाँ भी एनर्जी मौजूद है। एब्सोल्यूट 0 सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, और आज भी हमारे जरिए इतने कम टेम्परेचर को हासिल किया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की ज्ञात सबसे ठंडी जगह बुमरैंग नेबुला का तापमान भी 1 केल्विन है। लेकिन जब से मेरी दिलचस्पी अंतरिक्ष विज्ञान की ओर आकर्षित हुई है, तब से मेरे मन में एक सवाल हमेशा आता है, और मेरे ख्याल से आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न आता होगा कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में क्या अंतर है। आखिर हम अंतरिक्ष किसे कहते हैं और ब्रह्मांड क्या होता है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में क्या अंतर है, या कहें तो क्या समानताएं हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। 350 ईसा पूर्व ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टो ने यह सुझाव दिया, नेचर एवोर्स ए वैक्यूम, यानी प्रकृति वैक्यूम के खिलाफ है। इनका कहने का तात्पर्य था कि प्रकृति में कोई खाली जगह या वॉइड का होना संभव नहीं हो सकता। एरिस्टो के इस सिद्धांत को हॉरर वैक्यूई कहा गया। 17वीं शताब्दी में एक फ्रेंच फिलोसोफर रेने डिस्कार्तेस ने यह तर्क रखा कि अंतरिक्ष जरूर पूरी तरह से भरा हुआ होगा, क्योंकि वैक्यूम हमारे प्रकृति के खिलाफ है और ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन उसी सदी के इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीलेई ये जानते थे कि हवा का भी मैस होता है, और जिसमें मैस हो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उनके इन्हीं शब्दों से प्रेरित होकर उनके छात्र इवेंगेलिस्टा टोरिसेली ने साल 1643 में एक एपरेटस यानी उपकरण की रचना की, मरकरी बैरोमीटर। ये एक ऐसा उपकरण था जिसके जरिए वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जा सकता था। फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने यह तर्क दिया कि अगर हवा में मैस है तो ये भी दबाव डालेगा, और बैरोमीटर में मरकरी अपने निश्चित कॉलम पर बना रहेगा, जो था आधार से 76 सेंटीमीटर ऊपर तक। लेकिन कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले जगह पर जाने से बैरोमीटर में मरकरी का कॉलम छोटा होना चाहिए। इसे देखने के लिए साल 1648 में पेस पैस्कल के साले फ्लोरिन पेरियर बैरोमीटर को लेकर फ्रांस के एक पर्वत पर चढ़ाई की, और उन्होंने ये पाया कि ऊंचाई पर जाने से मरकरी का कॉलम छोटा हो रहा था, यानी ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था। इसके बाद साल 1650 जर्मन साइंटिस्ट ओटो वॉन गुइरिक ने पहली बार एक खास उपकरण की रचना की, एक वैक्यूम पंप। परंतु ये उपकरण इतना खास क्यों था? वेल, ये प्राचीन भौतिक शास्त्रियों द्वारा दिए गए सिद्धांतों को झुठलाने वाला था। एरिस्टो ने अपने सिद्धांत हॉरर वैक्यूई में कहा था कि प्रकृति में वैक्यूम संभव नहीं है, लेकिन इस जर्मन साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए वैक्यूम पंप ने इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया, और इन्होंने ही आगे चलकर ये बताया कि हमारी धरती का वायुमंडल इसे एक खोल की तरह घेरे रखा है, जिसकी डेंसिटी ऊंचाई पर जाने से कम होती है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी धरती और चांद के बीच का खाली जगह असल में वैक्यूम है, और इस प्रकार हमने ये जाना कि अंतरिक्ष असल में वैक्यूम है, जहाँ कोई वायुमंडल नहीं होता, लेकिन हाँ, वहाँ हल्के मात्रा में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अंतरिक्ष यानी वो खाली जगह जो खगोलीय पिंडों के बीच होती है और जहाँ कुछ भी नहीं होता है। अब हमने जान लिया कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष के भी अलग अलग रीजन्स हैं? जी हाँ, अंतरिक्ष को कुछ खास विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है जियोस्पेस। जियोस्पेस अंतरिक्ष का वह भाग है जिसमें धरती का ऊपरी वायुमंडल और मैग्नेटोस्फेयर आता है। हम जानते हैं कि धरती की सतह से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ही अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, लेकिन हमारा वायुमंडल इससे भी आगे तक फैला हुआ है। जियोस्पेस धरती की सबसे नजदीकी स्पेस है। इसके बाद से शुरू होता है सिस ल्यूनार स्पेस, यानी अंतरिक्ष का वह भाग जो धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर यानी जियोस्पेस के बाहर से चांद तक फैला हुआ है। इसके बाद आता है इंटरप्लैनेटरी स्पेस। इंटरप्लैनेटरी स्पेस को सोलर विंड्स के जरिए परिभाषित किया जाता है। हमारा सन कंटिन्यूसली चार्ज आयन पार्टिकल्स को एमिट करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, परंतु हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल से हमारी रक्षा करता है। ये सोलर विंड्स कई अरब किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं और हमारे सौरमंडल के चारों ओर
एक बबल का निर्माण करते हैं। यह असल में हमारे सूरज का एटमॉस्फेयर है और इसे हम कहते हैं हीलियोस्फीयर। इस हीलियोस्फीयर के छोर यानी बाउंड्री को हीलियोपॉज कहा जाता है। हीलियोपॉज के अंदर मौजूद अंतरिक्ष का सारा हिस्सा कहलाता है इंटरप्लैनेटरी स्पेस। इसके बाद शुरू होता है इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच की जगह। इंटरस्टेलर स्पेस अंतरिक्ष का वह भाग जो एक गैलेक्सी के अंदर मौजूद तारों के बीच की खाली जगह है, यानी वो खाली जगह जो हमारे सन तथा दूसरे तारों के हेलियोस्फीयर के बाहर है। इंटरस्टेलर स्पेस लगभग पूरी तरह खाली होती है और लगभग पूर्णतः वैक्यूम। इसके बाद आता है इंटरगैलेक्टिक स्पेस। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, यह गैलेक्सियों के बीच मौजूद खाली जगह यानी अंतरिक्ष है। तो अब तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अंतरिक्ष क्या होता है, परंतु आखिर अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बीच क्या अंतर है? वेल, इसका जवाब बहुत ही आसान सा है और शायद अब तक आप में से कई लोगों को इसका जवाब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि अंतरिक्ष उस खाली जगह को कहते हैं जो खगोलीय पिंडों, तारों और गैलेक्सियों के बीच मौजूद होती है, लेकिन ब्रह्मांड इस संपूर्ण संसार को कहते हैं। बिग बैंग के बाद जन्मा हर एक चीज ब्रह्मांड के अंदर आता है, यानी ब्रह्मांड या यूनिवर्स उस पूरे कलेक्शन को कहते हैं जिसके अंदर अंतरिक्ष, समय, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, सारे मैटर्स, सारी एनर्जी आती है। हम संपूर्ण ब्रह्मांड को तो नहीं देख सकते, इसलिए हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स शब्द का उपयोग करते हैं, यानी ब्रह्मांड का वह भाग जहाँ तक हम देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल आई एम कौशिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।